जी मैं ये कह रहा था कि एक हदीस से बहुत दलील पकड़ी जा रही है कि अल्लाह के नबी को दुनिया की सारी कुंजियों की चाबी दे दी गई है, सारे खजाने दे दिए गए हैं दुनिया के। तो इससे दलील पकड़ी जा रही है दुआ के लिए, वसीले के लिए। रिवायत कहाँ किया लाइए? शेख किफायत को पता होगी। एक मिनट, चलो देख रहे हैं। वो सही बुखारी की हदीस है शायद, जो पेश कर रहे थे वो शायद सही बुखारी की ये हदीस है। बोलिए, सही नंबर बुखारी में बोलिए। कई, सही बुखारी में कई जगह हदीस है। मिसाल के तौर पर एक है 1344, हाँ 1344, जी तो ये भी हो सकती है। तो मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और आपने उहुद, अहले उहुद पे के जनाजा पढ़ा और फिर आप से मिंबर पर आए और कहा, उसमें एक अल्फाज है कि वइन्नी उती तो मफातिहा खजाइनिल अर्ज, कहते हैं कि जमीन के खजानों की कुंजियां मुझको दी गई हैं। तो भाई साहब शायद ये पेश करके ये कहना चाहते थे कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजाने हैं तो हम नबी से मांग सकते हैं वसीला, हालांकि वसीला भी नहीं तो सीधा मांगना है। हाँ शायद ऐसा कुछ पेश कर रहे थे। तो ये जो हदीस है ना सही बुखारी की, अगर इनकी मुराद यही हदीस है तो इससे वसीला तो बिल्कुल साबित नहीं होता, क्योंकि ये जो अल्फाज है ना कि मुझे जमीन के खजानों की चाबियां दी गई, इससे मुराद आप फतुल बारी देखे, कोई भी हदीस की किताब देखे, तो इब्ने हजर रहमुल्ला ने इस हदीस के तमाम तुरुक को जमा किया है फतुल बारी में और ये साबित किया है कि इससे मुराद फतुहात है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते हैं कि मेरे बाद बहुत, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी बहुत सारी फतुहात हुई हैं, कामयाबियां मिली हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी फतुहात नसीब हुई हैं। और आगे के जो जुमला है उससे बिल्कुल लिंक हो रहा है उस मफहूम से। चुनाचे आगे कहा गया कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि अंतु शिरको बादी, मेरे बाद शिर करोगे, लेकिन डर इस बात का है कि दुनिया के बारे में तुम कंपटीशन में लग जाओगे, यानी माल बहुत ज्यादा तुमको मिल जाएगा। तो वो जो मफाती जो जमीन की कुंजियां है ना, होती तो मफाती है खजाइन अर्ज, तो उससे मुराद फतुहात है, यानी बहुत सारे इलाके फतेह होंगे और मुसलमान फतेह करेंगे, मुसलमान के पास माल दौलत की फरावानी होगी, ये बताना मकसूद है। उससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना चाहिए। भाई क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है? बाबा 26 जी, कुछ समझ में। जी, क्या आपको सवाल का जवाब मिला? इसमें फुतुहात जो कॉन्क्वेस्ट है ना, जो आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉन्क्वेस्ट मिली अल्लाह ताला ने मिस्र पर, शाम पर, मुख्तलिफ इलाकों पर मुसलमानों को जो कामयाबी दी, ये उस चीज की पेशन गोई कर रहे हैं और वाज़े अल्फाज में, और वाज़े अल्फाज में भी मौजूद है। और हम लोग बार बार कुरान में पढ़ते हैं ना, लिल्लाह ही माफी समावती माफी अर्थ, आसमान अल्लाह ही का है जो में। अल्लाह के नबी जो इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने कुछ रवायतें जो नकल किए, मैं इसको पेश करता हूँ। देखिए बाद रवायतों में क्या है कि ओती तो मफात यह शाम, बाद रवायतों में क्या है कि अल्लाह अकबर ओती तो मफात यह फारिस, बाद में क्या है ओती तो मफात यह यमन। तो ऐसी तमाम हदीसों को इकट्ठा करते हैं ना इस टॉपिक की, तो पता चलता है ये तो फतुहात के बारे में है, शाम यमन फला फला, तो वो फतुहात के बारे में है कि मुसलमानों को फतेह हासिल होगी और फिर उसके जरिए से उनको जो है माली मजबूती भी मिलेगी, वो मुराद है उससे। ये जो वसीले को पता नहीं कैसे उससे इस्तेमाल करते हैं, वसीले सबको इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वही वार्निंग दी ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सब बता के वार्न किया है कि आगे डर है कहीं ये माल पाके तुम दुनिया की तरफ ना लपक जाओ, ये अल्लाह के नबी ने ये सब बता के यही कहा है। उस हदीस का असल पैगाम क्या है कि दुनिया के पीछे नहीं जाना, दुनिया से बचना। जी